जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर। जी हाँ साथियों, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न मतदान दल गठित किए गए हैं, जो विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न मतदान केंद्रों पर जो मतदान दल पहुंचेंगे, वह वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल की प्रक्रिया कैसे संपादित करेंगे और मॉक पोल की प्रक्रिया संपादित करते समय क्या कुछ सावधानियां उन्हें रखनी है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप इसे अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में मॉक पोल कराते समय आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलिए साथियों, सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो भी मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे अगले सुबह, उन्हें वास्तविक मतदान के ठीक 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ कर देना है। जी हां साथियों, मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए आपको जो 3 मशीनें प्रदान की गई हैं, उन्हें आपको कैरिंग बॉक्स से सावधानी पूर्वक निकाल लेना है। यदि वहां पर मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट उपस्थित हैं तो प्रारूप 10 उनसे प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर लेकर उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति आप देंगे। पीठासीन की घोषणा भाग एक पढ़कर सभी को सुनाया जाएगा और मतदान अभिकर्ता के आप हस्ताक्षर लेंगे। बीयू और वीवीपैट को जोड़कर मतदान प्रकोष्ठ में बीयू के बाएं ओर वीवीपैट रखना। यहां मतदान अभिकर्ता और 2 मतदान अधिकारी उपस्थित रहेंगे। याद रहे, बीयू को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है। सीयू को प्रकोष्ठ के बाहर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास रखना, उसके द्वारा वैलिड इशू किया जाएगा। मॉक पोल की प्रक्रिया 90 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। यहां पर यह ध्यान रखना है, यदि एजेंट उपस्थित ना हो तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ कर दिया जाएगा। मशीन को क्रम अनुसार, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से जोड़ना है। वीवीपैट के पिछले नॉब, काली बड़ी बटन आपको उसमें एक दिखेगी, को खड़ा करना और फिर कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करना। यानी कि कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करने से पहले आप ये अच्छी तरीके से जांच लें कि वीवीपैट के पीछे जो काली नॉब लगी हुई है उसको खड़ा कर दिया है अथवा नहीं किया है। क्लियर बटन दबाकर यदि कंट्रोल यूनिट में बूट की संख्या 0 दिखाई दे तो बैलेट इशू कर मॉक पोल प्रारंभ करना। सबसे पहले आपको जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्लियर बटन दबा देना है और जब उसमें मतदान की संख्या 0 प्रदर्शित हो तो आपको मॉक पोल प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है। यदि क्लियर बटन दबाने पर कंट्रोल यूनिट में इनवैलिड दिखाई दे तो सीआरसी प्रक्रिया करने के उपरांत मॉक पोल प्रारंभ करना। यदि आप क्लियर बटन दबाने पर कंट्रोल यूनिट में इनवैलिड बटन आपको दिखाई दे रहा है, इनवैलिड एरर प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको एक बार फिर सीआरसी करना है और उसके बाद में मॉक पोल प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है। आप सभी को मालूम ही है मॉक पोल में न्यूनतम 50 वोट डालना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक कैंडिडेट को आपको वोट देने हैं, लेकिन ये आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखना है 50 वोट से कम किसी भी स्थिति में मॉक पोल में नहीं रखना है। मॉक पोल पूर्ण होने पर वीवीपैट के पिछली नॉब, जो काली वाली बटन जैसा कि अभी हमने बताया था आपको खड़ा करने के लिए बोला गया था, उसको आप आड़ा कर देंगे जब आपका मॉक पोल पूर्ण हो जाए और क्लोज बटन दबाकर दिखावटी मतदान प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे आप और कंट्रोल यूनिट का आप क्लोज बटन दबा देंगे। वीवीपैट से पर्चियों को निकालना, उसके बाद में वीवीपैट में जो पर्ची होंगी उन्हें आप निकाल लेंगे। रिजल्ट बटन दबाकर रिजल्ट देखना और अभ्यर्थीवार उसे आप नोट करेंगे, जिससे कि आप मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र है उसमें उनकी एंट्री करेंगे। क्लियर बटन दबाकर परिणाम को शून्य करना, फिर सीयू को स्विच ऑफ कर देंगे। क्लियर बटन दबाकर परिणाम हम शून्य कर देंगे, उसके बाद में सीयू को स्विच ऑफ कर देंगे। वीवीपैट से निकली स्लिप को अभ्यर्थीवार चेक करेंगे और नोट करेंगे। सभी स्लिप के पीछे मॉक पोल स्लिप की स्टाम्प लगाकर काले लिफाफे में रखकर
लिफाफे को सीलबंद करेंगे एवं लिफाफे पर एजेंट और पीटरसीन अधिकारी के हस्ताक्षर लेंगे। आपको आवश्यक रूप से यह ध्यान रखना है जो भी स्लिप आपको मॉकपोल की निकलेंगी उनमें मॉकपोल स्लिप का स्टाम्प लगेगा, स्टाम्प लगाकर काले लिफाफे में रखना है। लिफाफे को सीलबंद करेंगे और जो लिफाफा है उस पर एजेंट और पीटरसीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। लिफाफे को पिंक पेपर सील से सील्ड करना तथा इसमें भी एजेंट एवं पीटरसीन अधिकारी के हस्ताक्षर लेना। वीवीपैट के ड्राप बॉक्स को एजेंट को खाली दिखाते हुए एड्रेस टैग लगाकर खाली करना। अब आपकी जो मॉकपोल प्रक्रिया है पूर्ण हो चुकी है, तो ऐसे में आप वीवीपैट का जो ड्राप बॉक्स है उसे एजेंटों को दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से खाली है और उसमें एड्रेस टैग आप लगा देंगे। मॉकपोल रिपोर्ट भाग एक तैयार करना एवं एजेंट एवं पीटरसीन अधिकारी के हस्ताक्षर लेना। मॉकपोल के लिए रिपोर्ट का भाग एक पीटरसीन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा जिसमें आवश्यक प्रविष्टियां करना अनिवार्य होगा। मशीन को मतदान हेतु तैयार करने के लिए वीवीपैट के पिछले नोक को खड़ा करना होगा। याद रखें मॉकपोल समाप्त होने के बाद हमने जो काला बटन था उसे आड़ा कर दिया था हॉरिजॉन्टल मोड में, अब हम उसे एक बार फिर खड़ा यानी कि वर्टिकल मोड में करेंगे यदि वास्तविक मतदान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो। फिर कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट के स्विच को आपको ऑन करना है। वीवीपैट के बटन को खड़ा करके वास्तविक मतदान से पहले फिर आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कंट्रोल यूनिट के स्विच को आप ऑन कर दें उसके बाद में उसको आप खड़ा करें, इससे एक एरर प्रदर्शित होगा। मतदान हेतु बैलेट इशू करने की प्रक्रिया नियत समय प्रातः 7 बजे से प्रारंभ की जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो विभिन्न मतदान दल के अधिकारी हैं वो वास्तविक मतदान के ठीक पहले मॉकपोल की प्रक्रिया अपने अपने मतदान केंद्रों पर संपादित कर सकते हैं। साथियों हम इसी तरीके से विधानसभा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अब लगातार आपके बीच लेकर आते रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उससे उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको मतदान के दौरान आती है तो आवश्यक जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो सके। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट, मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।